बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जू की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री जुवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री धाम धनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं, हमारी मुन्नी जी खुशवा ग्वालियर से, हमारी मीना जी भावसार, वीना जी भावसार, और हमारी पद्मा जी मुंबई से, और हमारी अंशु जी सुनील जी परनामी जयपुर से, मीनू जी परनामी श्री गंगानगर से। आइए लाडले सुंदर साहिब जी, हम धाम धनी जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए चर्चा शुरू करें। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम परणा, आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम सुरता के द्वारा श्री पांच पद्मावती पुरी धाम श्री जी साहिब जी के चरणों में चलते हैं, और वहां पे सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और अपना एक भाव रखते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिलकर के गाना साथ जी, देखो मिलकर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। ओ वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल, वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल, शिर जी ने ये फुरमाई रे, देखो कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा,
जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा। जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा। फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए। फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए। शीर जी ने ये फुरमाई रे, देखो कृपा कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी अरुणा जी सिंगल जो भिवानी से हैं, वो भी रोज शामिल होती हैं वाणी चर्चा में, और अरुण जी गीता जी भावसार भी नित्य प्रति वाणी चर्चा में शामिल होते हैं। हमारी अंजना जी वाट्स भी मुकद सर से इस वाणी चर्चा को सुन रही हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज हमारा रास ग्रंथ का दूसरा प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है, और इतनी सुंदर चौपाइयां हैं सुंदर साहब जी, आइए हम आनंद के साथ शुरू करते हैं। मन ना मनोरथ पूरण की धा, मारा अनेक वार, वारणे जाए श्री इंद्रावती। मारा आत्म ना आधार, मारा आत्म ना आधार। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जाग्यानी केर। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे कि हम सबको पता है कि ये रास ग्रंथ के पांच प्रकरण जो है ना, ये दीप बंदर के अंदर जय राम भाई के घर में उतरते हैं, है ना सुंदर साहब जी। तो हमें पता है जय राम भाई ने अभी पूछा ही था शिव जी से कि कहां से पधारे श्री महाराज, और सुनाओ क्या हाल चाल है ना। और शिव जी को आवेश आता है, और शिव जी तो अब मिहराज थोड़ी थे, अब तो वो साक्षात हवसा से बाहर निकले, तभी तो दीप बंदर गए थे ना सुंदर साहब जी। और जब दीप बंदर गए हवसा से निकल के, तो सीधा प्राणनाथ धामधनी अक्षरातीत श्री श्यामा जी महारानी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आपके हृदय स्थल में आके विराजमान हो गए थे। अब साक्षात सतगुरु जी बैठे हैं, अब वो दीप बंदर में जयराम भाई को सीधा सीधा कैसे कहते कि मैं ही, मेरे अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान है, आप उनकी पहचान करो। तो हमने जो पहले प्रकरण में जितनी चौपाइयां सुनी ना, कृपा की दी अति घणी, वली आव्या तत्काल, तेह जवानी तेह चर्चा, प्रेम तनी रसाल, वली वचन सुहामणा, वली वर्णी विद, आव्या ते आनंद अति घने, ल्याव्या ते नेचल निद, ए निद निर्मल अति घणी, दिए साथ ने सार, कोमल चित दे लीजिए, जेमा रहे हृदय निर्धार। तो ये प्रकरण कहाँ उतर रहे हैं, जय राम भाई बैठे हैं पास में, और जय राम भाई ने हालचाल ही पूछा था, तो ये सारी चौपाइयां वहां प्रकट हुई है ना, जो हम सुन रहे हैं। अब सीधा सीधा उनको कैसे कहते कि मेरे अंदर हवसा में सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आके विराजमान हो गए, है ना, अब मैं मेराज नहीं हूं, अब तो मेरे हृदय में आप उनको देखो, बोली से पहचानिए,
है ना, बोले चाले से सब शुद्ध पड़ जाती है कि अंदर किनका जोश बोल रहा है और ये आवाज किसकी है ना। तो शिरजी साहब जी ने चौपाइयों के माध्यम से सारा कुछ बता दिया कि मेरे हृदय में साक्षात सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आके विराजमान हो गए हैं, है ना सुंदर साहब जी। और अब कह रहे हैं कि माया गई पोताने घेर, क्योंकि फांसी का हुक्म हुआ तो उसके बाद तो फिर कभी शिरजी साहिब जी वापस माया की तरफ का कि अब तो लगना ही नहीं है माया की तरफ, है ना। अमित्रण जुदे की दा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। तीन युद्ध माया के साथ किए श्री इंद्रावती जी की आत्म ने, लेकिन तीन युद्ध जीत लिए, चौथे युद्ध में हार गए, है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी, अब श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है माया गई पोताने घेर। पोताने मीन्स होता है अपने घर, घेर मैंने घर। माया गई पोताने घेर। अब बड़ी प्यारी बातें कर रही है श्री इंद्रावती जी, कह रही है कि माया तो अपने घर गई चली, मेरे हृदय से माया निकल के अपने घर चली गई। माया गई पोताने घेर, पोताने मीन्स होता है अपने घर, है ना। हे मेरी आत्मा अब तो तू जागृत हो जा, क्योंकि माया तो अपने घर चली गई। हवे आत्म तू जागी नी केर, हे आत्मा अब तो जागृत हो जा। तो माया नो थयो नास, जो धनिये की दो प्रकाश। कहते जब धाम धनी ने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश कर दिया ना, तो माया अपने आप घर चली गई और हृदय से माया का नाश हो गया। लो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं ना श्री जी साहेब जी, कि जब इस वाणी चर्चा का प्रकाश हृदय के अंदर हो जाता है ना, तब समझ लो कि माया अपने घर चली गई, है ना। तो माया नो थयो नाश, तो मैंने तब माया नो, माया का थयो मैंने हो गया नाश। तो माया नो थयो नाश, जो धनिये की दो प्रकाश। माया का नाश कैसे हुआ, जब धनी ने, धाम धनी ने आत्मा के अंदर इस तारतम वाणी का प्रकाश कर दिया, है ना। और जिस आत्मा के अंदर ये तारतम वाणी का प्रकाश हो जाएगा ना लाडले सुंदर साहब जी, क्योंकि जागता ना रहे चोर। अज निशिर जी ने कहा, इसी आगे आएगी चौपाई, अजवाल मामा नव रवे चोर, जागता नव चाले जोर। बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं। अजवाल मामा नव रहे चोर, जागता नव चाले जोर। अजवालमा मीन्स होता है प्रकाश, कि आपने देखा होगा जिस घर के अंदर लाइट जल रही हो, जिस घर के अंदर प्रकाश हो, तो लाडले सुंदर साहब जी उस घर में चोर नहीं आते। चोर कब आते हैं, जहां अंधेरा होता है, घर बंद हो, अंधेरा हो, तो वहां चोर आते हैं। और जिस घर का मालिक लाइट जला के और जाग के बैठा हो, तो वहां पे चोर नहीं आते, है ना सुंदर साहब जी। अब ये चोर कौन है, चोर है ये माया, और माया के विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको क्या बोला, इनको बोला चोर, है ना। देखो कितनी प्यारी बात कह रही है कि तो माया नो थयो नाश, तो मैंने तब माया का नाश कब हुआ, तब जो धनिये की दो प्रकाश। धनी ने जब तारतम वाणी के द्वारा पूर्ण लाइट दे दी, पूर्ण प्रकाश दे दिया, है ना, तब माया का नाश होता है। अब अपने को ना धनी जी ने रास से शुरू कराई है, और धनी जी चाहते हैं कि पूरी लाइट
सुंदर साथ को दी जाए, ये लाइट है सुंदर साथ जी, ये तारतम है ना, ये पूरा प्रकाश है। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धामे दर शाने को हो। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धामे दर शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को हो। जो उतरी होंगी ना वो ही चढ़ेंगी। उतरे नूर बिलंद से मोमिन बड़ा मरातब, हाय हाय हक के दिल का इश्क मोमिन लेसी कब। श्री इंद्रावती जी ने कहा उतरे नूर बिलंद से, ये मोमिन ही है जो नूर बिलंद से उतर के आए हैं। इनके लिए धनी लाइट लेके आए हैं, इनके लिए धनी प्रकाश लेके आए हैं, है ना। ये नूर तारतम है सुंदर साहब जी। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धाम दर शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को हो। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, श्री तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। ये कायम ठिकाना है शिरजी में हर बाण, शिरजी में हर बाण का जय घोष करते जाना है शिरजी में हर बाण। तो लाडले सुंदर साहब जी, कितनी प्यारी बात शिवजी साहिब जी ने कही कि माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जाग्या नी केर। अब ध्यान से सुन लो, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, हे मेरी आत्मा अब तो तू जागृत हो जा, क्योंकि जब धामधनी ने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश कर दिया ना, तो माया अपने आप अपने घर चली गई और हृदय से माया का विनाश हो गया, हृदय से माया का नाश हो गया। माया कहाँ चली गई? अपने घर चली गई। अब हमारे अंदर से माया अपने घर कब जाएगी? जब हमारे हृदय के अंदर इस तारतम का नूर, इस तारतम वाणी की रोशनी, इस तारतम वाणी की लाइट, इस तारतम वाणी का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर फैलेगा ना लाडले सुंदर साहब जी, तो माया अपने घर जाएगी, है ना। क्योंकि अंधेरे में चोर आते हैं और जब लाइट जल रही होती है तो चोर नहीं रहते, है ना। क्योंकि जब सूरज निकल आता है ना तब अंधेरा नहीं रहता। एक बार अंधेरे ने ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने सूरज पर ना केस कर दिया, कहा कि ये सूरज जब भी आता है ना मुझे धक्के मार मार के निकाल देता है। और सूरज ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश से कहा कि अंधेरे को मेरे सामने पेश करो, मैंने उसको कब धक्के मार मार के निकालना है, अंधेरे को मेरे सामने पेश करो। तो उस खुदा की अदालत में आज तक अंधेरा पेश नहीं हुआ, है ना। कैसे पेश हो? क्योंकि सूरज के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, है ना।
अब बड़ी प्यारी सी बात है, अगली बात सुनिए। एक एक चौपाई को ना आप ना दोबारा भी पढ़ा करो, कृपा दृष्टि करके, सुनने के बाद भी पढ़ा करो। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना सुंदर साथ जी, तब तक ये वाणी हमें समझ में नहीं आएगी। या तो वाणी पास में रखा करो, है ना। अगर पास में नहीं रखते हो तो फिर जो चौपाइयों पे चर्चा होती है ना, उन चौपाइयों को रिपीट किया करो, उन चौपाइयों को पढ़ा करो, है ना। केम जानिए माया गई। अब देखो कितनी प्यारी बात कह रही है श्री इंद्रावती जी। श्री इंद्रावती जी ने कहा कि सुंदर साथ कहेंगे कि अच्छा माया चली गई तो ये पता कैसे लगा कि हृदय के अंदर माया नहीं है, और माया चली गई तो ये पता कैसे लगा। अब देखो कितनी प्यारी बात कह रही है। केम मैंने होता कैसे, क्योंकि ये गुजराती भाषा है ना, रास प्रकाश खटरुती कलश, है ना, ये गुजराती भाषा है। अब हमारी दक्षा जी पड़साला, सोनल जी कपोपरा, राजेश जी पड़साला, है ना, हमारी अंसा बहन, है ना, इन सबको तो ये शब्द अपने आप समझ में आ जाते हैं। हमारी अनीता जी पटेल यूएस से, उनको भी समझ आ जाते हैं। और हमारी गीता जी, अरुण जी भावसार, है ना, ये सब गुजराती लोग हैं, ये सब सुनते हैं रोज चर्चा। हमारी गीता बहन तो कह रही थी कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी शारदा बहन को गुजराती की किताब पर भी चर्चा करनी आती है। तो मैंने कहा मैं नहीं करती, कौन कर रही है, मेरे सतगुरु जी, उनको सारी भाषा आती है ना। तो देखो हमारे जो हिंदी भाषा वाले सुंदर साथ है ना, उनको गुजराती बड़ी मुश्किल लगती है, इसलिए सतगुरु जी उनके लिए एक एक शब्द का अर्थ बता रही है ना। आपको तो पता है के में ने होता है कैसे, जानिए मैंने जाने माया गई, तो कहते के में जानिए माया गई, कैसे जाने कि माया चली गई। तो कहते हैं अंतर ज्योत ते प्रगट थई। तो कहते इसका उत्तर ये है कि जो झूठी वस्तु होती है ना, असत्य वस्तु में सत्य वस्तु ठहरती नहीं है। झूठी, अगर झूठी वस्तु होगी ना तो वहां सच्ची ये वाणी ठहर नहीं पाएगी। अंदर अज्ञानता होगी तो वाणी ठहर नहीं पाएगी। तो कहते हैं असत्य वस्तु में सत्य वस्तु नहीं ठहरती, है ना। हवे अंतर ज्योति प्रगट थई। कहते सत्य वस्तु अखंड ज्ञान एवं स्वयं सतगुरु जी मेरे हृदय में आसन लगा के बैठ गए हैं। देखो अब देखिए श्री इंद्रावती जी सीधा सीधा वही कह रही हैं। क्या कह रही हैं, के में जानिए माया गई, कैसे जाने की माया चली गई। कहते अंतर ज्योति प्रगट थई, ये ब्रह्मवाणी कि ज्योति, ये ब्रह्मवाणी की वाणी चर्चा मेरे हृदय से होने लग गई, और मेरे सतगुरु जी मेरे हृदय के अंदर आके अपना आसन लगा के साक्षात बैठ गए। समझ में आई, बताओ तो सही। देखो मैं तो कमरे में अकेली बैठी होती हूं, है ना, और धनी जी हृदय में बैठ बैठ के बोलते चले जाती हैं, है ना। आप विचार करो कि कोई कमरे में नहीं बैठा हो तो कमरा बंद करके ऐसे बोले जाओ बोले जाओ, जहां ना तो सुंदर साथ होते हैं, है ना, वो भी नहीं दिखते, और ना उनके फेस एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, है ना, और ना सामने वाले सुंदर साथ कुछ बताते हैं कि आपको चौपाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब मंदिर में तो मेरे सामने सुंदर साथ बैठे होते हैं ना, तो मैं उनसे तुरंत पूछ लेती हूँ कि क्या कह रहे हैं सिरजी साहिब जी, है ना। अब यहां पूछ भी नहीं सकते सुंदर साथ से, है ना। तो कहते केम जानिए माया गई, कैसे जाने माया चली गई।
अंतर ज्योते प्रगट थई। ये तारतम वाणी की चर्चा, ये तारतम वाणी हृदय से प्रकट हो गई। हवे आत्म करे काई बल तो वाणी गाऊं ने चल। कहते हैं जिसका प्रमाण यह है कि मेरे दिल में अखंड वाणी की ज्योति प्रकट हो गई, अब असत्य माया की अज्ञानता दूर हो गई। अब हे आत्मा, यदि तू तो थोड़ा सा प्रयत्न करे तो मैं अखंड वाणी का गायन करूं, मतलब अखंड वाणी की मैं चर्चा करूं, है ना। मेरे हृदय से क्या प्रकट हो गई है, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ये वाणी प्रकट हो गई है। हवे आत्म करे काई बल, अब तो आत्मा थोड़ा सा यत्न करे, प्रयत्न करे, आत्म बल दिखाए तो वाणी गाऊं नेचल। नेचल में सोता है अखंड। अखंड वाणी की मैं चर्चा करूं अगर आत्मा थोड़ा सा अपना बल दिखाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, ये बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं, है ना, इतनी आनंद भरी ये चौपाइयां हैं। और आप ये वाणी चर्चा सभी सुंदर साथ को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे तो जितने हिंदी वादी हिंदी भाषा वाले सुंदर साथ है ना, उनको बिल्कुल एक भी अक्षर गुजराती का समझ में नहीं आता। और धनी जी गुजराती पे ही एक एक अक्षर करके समझा के ये वाणी चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये प्रसाद वाणी चर्चा शेयर करके सभी को परोसिए, ठीक है। और धाम धनी की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम चौपाई दोहराए। के म जानिए माया गई, आ गई ना समझ में कि कैसे जाने माया गई। अंतर ज्योत ते प्रगट थई, हमें आत्म करे काई बल तो वाणी गाऊं ने चल, तो वाणी गाऊं ने चल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वाणी चर्चा लाइव सुनने वाले समस्त सुंदर साथ की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।